नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पवई, पन्ना जिले के शाहनगर में व्यापारियों और पंचायती प्रशासन के बीच दुकान नीलामी का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। व्यापारी अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, वहीं मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन इस बीच ग्राम पंचायत दुकानों की नीलामी कराने की तैयारी में था, जिसमें राहत की मांग को लेकर शाहनगर व्यापारी संघ SDM कार्यालय पहुंचा, लेकिन SDM द्वारा उनके पक्ष में संतोषजनक आश्वासन न मिलने पर नगर के दो व्यापारी आत्महत्या की मंशा से शाहनगर तहसील प्रांगण में बनी टंकी में चढ़ गए और कलेक्टर के आने पर ही नीचे उतरने की बात कहने लगे, लेकिन सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और नगर वासियों द्वारा दोनों व्यापारियों को नीचे उतारा गया। वहीं चीख पुकार, रुदन और विलाप के बीच भीषण गर्मी और बीपी इत्यादि से व्यापारी जितेंद्र नेखर और प्रीति सेठिया की हालत बिगड़ गई, जिसमें जितेंद्र नेखर को पड़ोसी जिला कटनी के लिए रेफर किया गया, जिसके संबंध में SDM श्रुति अग्रवाल का कहना है कि मामले पर जनपद CEO और सरपंच से चर्चा की गई है और फिलहाल नीलामी प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। अरे ले आ नीचे। अरे यार नहीं बताता का छोड़ो आप। बिल्कुल नहीं नहीं दादा, हम ना मारने का यार। ये धक्का दे रहा का नहीं 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 हम ना मारने का। हम बिल्कुल नहीं 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 यहां देख जा यार, लेके आ वीडियो बनाना है। ठीक है ना, हम इधर से ले कहाँ का ऊपर चल रहा हूँ करा था जी। ए गुड्डा गुड्डा दम्मू के बड़ा, हम तो चढ़नी पाई की सिद्धि है। क्या आपको भी चढ़ना था क्या? बिल्कुल चढ़ना था। अच्छा, हमें मतलब नहीं हो रहा, अब हमारा छोड़ा नहीं किया जाएगा तो हम क्या करेंगे? मरेंगे और क्या करेंगे? ऐसा थाना सांस सरपंच है जिसके कारण हम हर लोगों को प्राण देना पड़ेगा। अभी आप लोग SDM मैडम के पास गए थे, जो है नीमान साहब कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग तो कार्रवाई नीलामी है, नीलाम हो जाएगी तो कहाँ की क्या करेंगे हम लोग का? अच्छा, नीमानी साहब और सब सबका हो गया, हम लोग बड़ा आठ लोगों ने अच्छे चुनावी रंजन के कारण किया जा रहा है। एक साल से चुनावी रंजन के साथ जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? नीलाम कर रहे हैं हम लोगों, हमने चुनाव में उनके साथ नहीं दिया, वोट नहीं दी, चुनावी रंजिश के कारण हम लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है। बाकी सब दुकान के बुला के अनुबंध करवाया गया, बुलाया गया, उनका किराया जमा किया जाता है, हम लोगों का किराया नहीं जमा किया जाता, अनुबंध नहीं करवाए जा रहे, हमने ऑनलाइन किराया जो है किराया जमा किया, किराया नहीं जमा करवाते हमारे। आप अनुबंध करने को तैयार हैं क्या? हमारा स्टाम्प जमा है वहीं, खाली स्टाम्प जमा प्लस 5 माह जो 1500-3500 रूपए किराया है उसी हिसाब से हमने ऑनलाइन किराया भी उसमें जमा था दिया। अच्छा, हम सब कुछ में 2900 में राजी है। ये सोची समझी साजिश है, इनका किराया जमा न करना, इनको ऑनलाइन जमा करना पड़ा किराया, बाकी लोगों का एक एक करके अनुबंध कराया गया, ये लोग गए, इनको मना कर दिया गया, आप परेशान मत हो, हम आपका अनुबंध कर लेंगे, आपका अनुबंध कर लेंगे, इनका अनुबंध आज तक नहीं हुआ, एक चीज। दूसरी चीज ये, किसी भी संस्था का जब अनुबंध समाप्त होता है तो समाप्त होने के 15 दिन पहले कार्यालय से नोटिस जारी होता है कि आपका अनुबंध दिनांक फलाने को समाप्त हो रहा है, कार्यालय में उपस्थित होकर के आप अपना अनुबंध का नवीनीकरण कराएं, किंतु ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा नहीं किया गया और ये सब सारी सोची समझी। कल पूरे ग्राम को बैठाया गया कि ग्रामवासी जो कहेंगे वो होगा, इसके बाद हुआ क्या? ग्रामवासी इकट्ठे हुए रात में, सारे लोग हुए, सरपंच आए, सचिव नहीं आया जानबूझ करके, सचिव महोदय वहाँ उपस्थित नहीं हुए, बाकी लोग जब एक एक करके जैन समुदाय के लोगों के द्वारा, जैन समुदाय के लोगों के द्वारा, दो चार लोगों के द्वारा विवाद उत्पन्न करके एक विवाद की स्थिति सोची समझी साजिश के तहत निर्मित की गई और वो लोग वहाँ से उठ के चले गए, सरपंच महोदय भी उठ के चले गए, बाकी गाँव के 400 लोग वहाँ उपस्थित बैठे रहे, तो क्यों बैठे रहे? झगड़ा कर बंद किया, ये साजिश के तहत सब कुछ हो रहा है और इसमें सरपंच और सचिव की मिली भगत है। हमारा शासन प्रशासन से ये निवेदन है कि
हमको न्याय दिया जाए और सचिव सरपंच के विरुद्ध इस संबंध में कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए। शुभ नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम है वीपी गुप्ता। अच्छा अच्छा, यहाँ आप क्या है, वकील हैं क्या, एडवोकेट हैं क्या? ना मैं एडवोकेट हूँ ना वकील हूँ, मैं इस बच्ची का पापा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अजीत जो है मेरे दामाद हैं। अच्छा, आपके आपके ससुर कहला गए? जी जी जी। नादर साहिब मचा लाई भैया। सेठिया जी यहाँ पर हम लेके आए हैं जो जो पीड़ित वगैरह हैं। हाँ, हमारी बहू भी है, वो बेहोश हो गई थी अभी, बेहोश हो गई, ब्लड प्रेशर की मरीज भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो यहाँ डॉक्टर मिले कि नहीं मिले? यहाँ डॉक्टर कोई नहीं है। कोई नहीं है। हाँ, तो पर कैसा इलाज हो रहा है? बस सिस्टर लोग कर रही है, सिस्टर लोग कर रही है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, सब परेशान है। वो सरपंच जो दुकानें नीलामी करवा रहा है उसी कारण से सब लोग परेशान हो रहे हैं। सब लोग प्राण देने के लिए तैयार हैं कि अगर हमारा फैसला नहीं होता तो यहीं पे आत्महत्या कर लेंगे, हम आत्मदाह कर देंगे। हमारे लिए न्याय मिलना चाहिए हम लोगों को। तो एसडीएम साहब से मुलाकात हुई है? एसडीएम साहब ने कहा कि हम देखेंगे, हमारे नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। तुरंत अगर तुरंत एक्शन लें तो वो ले सकती है, तुरंत तत्काल मतलब उसको नोटिस जारी कर सकती है कि अभी तत्काल कार्रवाई बंद की जा रही है, कल नीलामी होना है, हम लोग कहाँ जाएंगे, रोड पे खड़े हो जाएंगे, हमारे बाल बच्चे मर जाएंगे, उससे अच्छा तो आज ही हम प्राण दे रहे हैं अपने, हमको कल मरना है तो आज ही मर जाए। आपका सुनना क्या? मेरा नाम छेदीलाल सेठिया। मैडम जी, अपनी समस्या को लेकर कुछ व्यापारी लोग आए थे, उसकी क्या डिसीजन होगा स्थानीय प्रशासन के द्वारा, थोड़ा बताएं इसके संबंध में। मेरे पास कुछ लोग नीलामी को की प्रक्रिया में आपत्ति को लेकर के आए थे, क्योंकि आपत्ति आई थी मेरे पास तो मैंने सीओ जनपद को अवगत कराया, और चूँकि पंचायत स्तर से ये पूरा प्रक्रिया चल रही थी तो सरपंच साहब से बात की तो, और उनको इस आपत्ति से पूरा अवगत कराया है, और जो सिचुएशन आज बनी है उससे पूरा अवगत कराया है, तो उनके द्वारा ये सरपंच और पंचायत की बॉडी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। चूँकि ये आपत्तियाँ आई हैं इसलिए वो वर्तमान में जो नीलामी की प्रक्रिया है उसको स्थगित कर रहे हैं, और ऐसे सरपंच साहब ने मुझे अवगत कराया। 19 तारीख तक चालान जमा करने की अंतिम तिथि थी आज, तो जो पूरी नीलामी प्रक्रिया में अभी हाल रोक लग गई कोर्ट के आदेश तक, कैसा क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि सरपंच साहब को मैंने इस आपत्ति के बारे में बताया, चूँकि प्रक्रिया पूरी वहीं से चल रही थी, क्योंकि पूरी प्रक्रिया पंचायत की थी, इसलिए सरपंच साहब ने ये निर्णय लेकर के मुझे अवगत कराया कि वर्तमान में उन्होंने जो कल से प्रक्रिया होनी है बोली थी उस पर स्थगन लगाया, ऐसा सरपंच साहब ने अवगत कराया। कुछ व्यापारी लोग पानी की टंकी में चढ़ करके सुसाइड करने का भी प्रयास किया गया था, उसके लिए पूरी प्रॉपर हमारी व्यवस्था थी और इसमें कुछ नुकसान पहुँचा नहीं है, कुछ ऐसा हुआ नहीं है, अभी सब ठीक है और सबको ये बताया गया, सब संतुष्ट भी है। सरपंच साहब के निर्णय को सबको बताया गया, अवगत कराया गया, सब संतुष्ट वर्तमान में। अच्छा मैडम, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक भी डॉक्टर नहीं है? जो गंभीर लोग पहुँचे थे, इन्हीं पीड़ित व्यापारी लोग, तो उनको सीधे बिना प्राथमिक उपचार के कटनी रेफर कर दिया गया है, डॉक्टर के अभाव के कारण इलाज नहीं मिल पा रहा है, उस संबंधित स्थानीय प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इस बारे में मैं जांच कर लेती हूँ कि डॉक्टर्स को मिले आज। अभी एक महीने से समय हो गया आपको? आज डॉक्टर नहीं थे, आपने ऐसा मुझे बताया, मैं जांच कर लेती हूँ। लंबे समय से नहीं है मैडम, यहाँ पर 5 महीने से डॉक्टर भी नहीं है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। मैं बात कर लेती हूँ अपने उच्च अधिकारियों से भी इस बारे में। पवई से खबर समय जगत के लिए संवाददाता सफी सिद्दीकी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।